नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 8वें का दूसरा भाग है। हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है आर यू एन एस। इसके बीच के जो विकर्ण हैं, जो जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसे हमने मान लिया है ओ। हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। क्योंकि इसमें हमें विकर्णों की लंबाई दी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का ही कोई ना कोई गुण इसमें यूज़ होगा, कोई प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगी। तो बच्चों आप ध्यान से याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पहले आप इसका मतलब समझिए कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं का मतलब क्या है। ये विकर्ण, ये वाला विकर्ण आर एन और ये वाला विकर्ण एस यू, ये एक दूसरे को बराबर काटते हैं। बराबर काटने का मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इसी को मैं लिख रहा हूँ। देखिए सबसे ऊपर हम लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ओ एस है उतना ही ओ यू होगा। ओ एस बराबर होगा ओ यू के। तो देखिए ओ एस है 20 और ओ यू है वाई प्लस 7, तो 20 सेंटीमीटर बराबर होगा वाई प्लस 7 के। 20 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाई के साथ प्लस हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, ये आ गया वाई। तो 20 माइनस 7 होता है 13 सेंटीमीटर बराबर वाई, यानी कि वाई हो गया 13 सेंटीमीटर के बराबर। इसी प्रकार से जितना ओ आर होगा उतना ही ओ एन होगा, यानी ओ एन बराबर होगा ओ आर के। ओ एन कितना है, एक्स प्लस वाई, यह बराबर होगा ओ आर के जो कि है 16 सेंटीमीटर। अब एक्स हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता एक्स कितना, लेकिन वाई हमें पता है। कैसे पता है, हमने अभी निकाला है वाई 13 सेंटीमीटर। एक्स को एक्स रहने देंगे, वाई की जगह लिखेंगे 13 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर। यहाँ से एक्स आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एक्स के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 16 सेंटीमीटर में से 13 सेंटीमीटर माइनस कर दो, बाकी बचा 3 सेंटीमीटर, बाकी बचा 3 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, इस प्रश्न में हमें x और y का मान निकालना था। हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ करी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये इसके बराबर होगा, यह भाग इसके बराबर होगा। इसी को हमने प्रयोग करके सबसे पहले y निकाला 13 सेंटीमीटर के बराबर, उसके बाद हमने x निकाला 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस प्रकार से हमने y और x दोनों का मान ज्ञात किया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। यदि आप बाकी वीडियोस, बाकी प्रश्न भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बाकी वीडियोस को भी देख पाएं। धन्यवाद।